हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सत्यप्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन टुडेज लेक्चर लेट वी स्टार्ट द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ्स। ओके, सो इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक वी वॉज कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। आई होप यू कैन वेरी कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस चैप्टर। And our chapter number 1, 2, 3, we will complete it in our workbook and also in our notebook. ठीक है, notebook और workbook के अंदर भी हम लोग जो है वो बाद में आपको मिल जाएगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। Now, in today's, let me start the new chapter, chapter number 4, long and short. So, what is long and what is short? Do you know about this? What is long? Long मतलब क्या है? लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, ऐसा कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को मेजरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो आप लोग सेकंड स्टैंडर्ड में ऑल्सो लर्न कर चुके हैं। मैं राइट, सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट मेजरमेंट आपका जो पूरा चैप्टर था उसके बारे में आप लोगों ने लर्निंग कर लिया है। हाउ टू मेज़र इन मीटर, हाउ टू मेज़र इन सेंटीमीटर, हाउ टू यूज़ ऑफ स्केल, हाउ टू यूज़ ऑफ मेज़र टेप। मेज़र टेप भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, सेंटीमीटर स्केल से भी सिखाया था क्या, हाउ टू मेज़र इन सेंटीमीटर मीटर। ओके, सो यहाँ पे एक ऐसा ही चैप्टर है मेजरमेंट वाला, लॉन्ग एंड शॉर्ट। सो डायरेक्टली वी स्टार्ट विथ अवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक and learning with me. Lali is selling things at her father's shop. Lali is selling things at her father's shop. Lali जो है उसके पापा की शॉप से कुछ things जो है वो sell कर रही थी। Lali उसके पापा की शॉप से कुछ things है वो sell कर रही थी। A farmer comes to buy a rope. एक फार्मर है, उसके पास आता है रोप लेने के लिए। क्या लेने के लिए? रोप। रोप मतलब कि जिसे गुजराती में बोलते हैं दोरडा, दोरडू के ना झाड़ू, हाँ, तो वो फार्मर जो है वो लेने आया था। नाउ जो उसकी लाली है, जो सोप फादर्स है, उसकी बेटी लाली, उसने अभी क्या बोलता है फार्मर, देखो, कैन यू गिव मी 7 arms ऑफ रोप, कि आप मुझे 7 arms रोप के दे सकते हो। 7 आपका मीनिंग है आम, मतलब आप लोगों ने कभी देखा होगा जैसे ऐसे मेज़र करते हैं, यहाँ हाथ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी मेज़र किया जाता है। तो उसे 7 arms जो है वो रोप के चाहिए थे। देन हियर इज योर आर्म्स ऑफ रोप। ओके, जो लाली है उसने क्या किया, उसके 7 arms थे। अभी देखो, लाली जो है वो छोटी बच्ची है, जो उसके पास लेने आया था फार्मर वो बड़ा है। अभी लाली ने क्या किया, जो रोप था उसने अपने 7 arms जो है मेज़र करके उसे दे दिए फार्मर को। फार्मर क्या कहता है, बट दिस इज़ ओनली 6 arms ओनली। अभी लाली ने जब मेज़र किया तब वो 7 arms थे। ओके, जब वो फार्मर को देती है एंड फार्मर मेज़र करते तो उसे तो 6 arms ही हुए, बिकॉज लाली के जो हैंड थे वो शॉर्ट थे और जो फार्मर है उसके हैंड क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। So it is the difference between the measurement of long and short. Now, why don't you measure your arm with this rope? जो लाली है बोलती है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा कि मेरे 7 arms आपके 6 arms ही होंगे, क्योंकि मेरा हैंड जो है वो शॉर्ट है, आपका लॉन्ग है, तो आप ही क्यों नहीं मेजर कर लेते 7 arms आपके हाथ से। And take 7 times of that length. फिर जो फार्मर है उसने 7 times अपने हाथ से ही मेज़र कर लिया। ओके, नाउ सो द फार्मर मेज़र दिस आर्म विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 times दैट मच रोप। ओके, फिर जो फार्मर है उसने ही मेज़र कर लिया एंड लाली ने उसे ही 7 arms जो फार्मर ने मेज़र किया था वो उसे दे दिया, सेल कर दिया। मेज़र योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, वॉट इज़ द डिफरेंस। अभी आप लोगों को क्या करना है, आपका जो आर्म है मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, अपना पूरा वन हैंड एंड ऑल्सो एडिट द शोल्डर, ठीक है, अपने पूरे आर्म को मेज़र करो। आपके पास मेज़र टेप होगी, नहीं है तो आसपास में से ढूंढ लो,
ठीक है, और अपना आप मेजर करो, अपनी मदर का आप मेजर करो, डिफरेंस आएगा. ओके, इट इज डिफरेंस बिटवीन सो मैनी बिकॉज ऑफ यू आर वेरी स्मॉल एंड योर हैंड इज वेरी शॉर्ट एंड योर मदर इज लॉन्ग एंड योर मदर आर्म इज लॉन्ग. नाउ ऑन पेज नंबर 47, हाउ मैनी, फर्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर, इन हाउ मैनी स्टेप्स विल डोजी क्रॉस द रोड. यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिया है, इसके अंदर जो बॉय दिया है वो कितने स्टेप्स के अंदर ये जो रोड है वो कंप्लीट कर लेगा, मतलब कि फिनिश कर लेगा. आपको अंदाज़ा लगाना है, ओनली यू कैन गेज, ठीक है, कि कितने स्टेप के अंदर जो यहाँ पे बॉय दिया है वो रोड क्रॉस कर देगा. तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर आएगा? 5 स्टेप. ओके, सो मेरे साथ जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे ही आंसर लिखना है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखो. दोर्जी विल क्रॉस द रोड इन 5 स्टेप्स. जो क्वेश्चन दिया है उसके नीचे ही आप लोगों को आंसर लिखना है. ओके, नाउ सेकंड, हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ दिस टेबल. आप लोगों को टेबल दिया है, उसके ऊपर 3 कप्स रख के दिए हैं. अभी आप कितने कप जो है वहाँ पे रख पाओगे, कितने रख पाओगे? 3 दिए हैं. ओके, एंड क्या लगता है? यस, 4 रख पाओगे. तो हाउ मैनी, कितने हुए टोटल? 4 हम रखेंगे एंड 3 है वहाँ पे, तो क्या आएगा आंसर? 7. सो इन द सेकेंड क्वेश्चन राइट द आंसर. 7 कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन on this table. Question के नीचे ही answer, 7 cups. Underline. Now, how many pots can be placed to reach the tree branch? Tree के branch तक पहुँचने के लिए कितने pots वहाँ पे रखेंगे? कितने रखेंगे? 2 दिए वहाँ पे. हम 4 रखेंगे, 3 रखेंगे या 6? ओके, उसका आंसर आएगा 4 हम रखेंगे और 2 ऑलरेडी वहाँ पे है, तो कितने हुए? 6. राइट द आंसर. 6 पॉट्स शुड बी प्लेस to reach the tree branch. How many pots? 6 pots. Next, how many shirts can be hung on this wire? Wire के ऊपर how many shirts जो है, कितने shirts hang किए जाएंगे? So यहाँ पे 1 शर्ट ऑलरेडी आप दिए, अभी कितने रख पाएंगे ऐसे आप वहाँ पे? 3 अदर 3 एंड 1 यहाँ पे है, मतलब 3 + 1 कितने हो गए? 4. देन राइट द आंसर. 4 शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर. आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर ही मेरे साथ लिखते रहना है. ओके, कंप्लीट हो गया मेरे साथ. नाउ टर्न योर प्रेज पेज नंबर 48. ओके, Thank you.
in your second standard, we was clearly learn about this how to measurement of scale and how to measurement of measure tape. So आपके पास ऐसी scale होगी, yes or no? Yes. उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर कुछ जो है मेजरमेंट दिए है, यस. यहाँ से यहाँ पे 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू जो बड़ी स्केल है उसके अंदर 30 तक, ओके. एंड इन द शॉर्ट स्केल देर विल बी अबाउट 15 सेंटीमीटर इन द स्केल, ओके. सो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, देन आप मेजरमेंट लोगे तो उसके मेजर टेप, सॉरी मेजर टेप के अंदर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 अप टू 30, 40, 50 एंड अप टू 100 सेंटीमीटर तक. इफ यू विल गेट ऑन 100 सेंटीमीटर देन वी विल कॉल द 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. क्या बोलते हैं? 100 सेंटीमीटर जब कंप्लीट होता है हमारा मेजरमेंट तब इसे बोलते हैं 1 मीटर. ऐसे ही नाउ मीटर के अंदर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ऑल्सो अप टू 1000 मीटर. 1000 मीटर इसे हम बोलते हैं 1 किलोमीटर, ओके. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 100 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. नाउ अभी आपके जो मेन कंसेप्ट पे आते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी, आप लोगों के माइंड में ये क्लियर है. अभी यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने एक स्केल ड्रॉ किया है. सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा? जीरो. क्या होगा? जीरो. उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. मतलब कि मैंने यहाँ पे आपकी जो छोटी स्केल है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की गई है. अभी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को मेजर करना सिखाया गया है. यहाँ पे एक क्रोकोडाइल ड्रॉ किया गया है, यस और नो? सो आपको कैसे मेजर करना है, यहाँ पे मैं एक थिंग ड्रॉ कर रही हूँ, ओके. यहाँ पे मैं पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ, देखना. ओके, यहाँ पे मैंने पेंसिल ड्रॉ की. नाउ मेजर देन हाउ मेनी, हाउ इट इन सेंटीमीटर, ओके. फर्स्ट वी विल स्टार्ट मेजरमेंट ऑन द जीरो सेंटीमीटर. जीरो से स्टार्ट करेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हियर द पेंसिल इज लॉन्ग इन 7 सेंटीमीटर, ओके. इसी तरह आपके अंदर बुक के अंदर क्रोकोडाइल दिया है. पहले आप पिक्चर में देखो, यहाँ पे क्रोकोडाइल जो ड्रॉ किया है, मेरे साथ मेजर करो, ओके. यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. 13 कितने आते हैं? 13 सेंटीमीटर क्रोकोडाइल. अभी आपको यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं एक थिंग्स ड्रॉ कर रही हूँ, ओके. यहाँ से देखो, मैंने एक स्लैब ड्रॉ किया है, ओके, ग्लास स्लैब. अभी यहाँ से देखो हाउ मेनी सेंटीमीटर. आप लोगों को पूछा जाए तो यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से, तो यहाँ से काउंट करेंगे, लेकिन ये 6 से नहीं, 1 से ही काउंट होगा, बिकॉज ऑफ थिंग्स इज हियर. सो यहाँ से 6 से लेके ये 1, 2, यहाँ से 3 एंड ये 4. ये कितने सेंटीमीटर का हुआ? 4. यदि यहाँ पे रखोगे तो भी ये कितने का होगा? 4 सेंटीमीटर का.
आपके स्केल में भी ये कितने का होगा, 0 से 4, मतलब आप लोगों को मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करना है, नहीं कि 1 से, 0 से लेके 4 तक। ओके, कोई भी थिंग्स है, जैसे कि मुझे ये चॉक स्टिक है, ये मुझे मेज़र करनी है, तो मेरे पास स्केल है, मैंने यहाँ पे चॉक स्टिक रखा, 0 से रखनी है, कितने का हुआ, 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड नाउ वन थिंग्स, आपकी स्केल के अंदर यहाँ पे 0 है, ये 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड एक जो है वो बड़ी लाइन आएगी, यस और नो। फिर 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। ओके, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब कि हमारे सेंटीमीटर के बीच में भी कुछ मेजरमेंट दिए हैं। ये क्या है, तो ये सेंटीमीटर के मेजरमेंट है, कैसे, यहाँ पे देखो, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आएगा 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 4। ओके, नाउ मेजर द बुक, जो आपके पास बुक है वो मेज़र करो। तो यहाँ पे मैं रखूँगी 0 के ऊपर, कहाँ पे रखूँगी, देखना प्रॉपरली मेज़र करना है, 0 पे रखूँगी। अभी कितने का है, तो ये 1 सेंटीमीटर, फिर 1 के ऊपर, ये 2 पे नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं है, सो यहाँ से काउंट करेंगे 1 के ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये पूरे 9 पे ही है, सो इसे बोलेंगे 1.9 सेंटीमीटर। ओके, कितना, 1.9 सेंटीमीटर, समझ में आया। ओके, मेरे पास डस्टर है, ऐसे रखूंगी, कितने सेंटीमीटर का, पूरे 1 सेंटीमीटर। अभी जो भी थिंग्स है, अभी आपके अंदर यहाँ पे आएगी पेंसिल, अपनी मेजर करो, अपने जो अपने पास कंपास बॉक्स है, मेजर इट, देन कैसे मेजर करना है अभी समझ में आ गया, प्रॉपरली मेजर कोई भी थिंग्स हो, मेरे पास स्केल है अभी, ठीक है, मैंने जो ड्रॉ किया है ना उसकी मदद से आपको मेजर करके बताती हूँ, 0 पे रखती हूँ, कहाँ तक आती है देखो, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे कम्प्लीटली मेज़र करना सीखना है। अभी आपकी बुक के अंदर 48 पेज नंबर के ऊपर द मैथ स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे जो मैथ स्टिक दी है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर। फिर द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड, डाइस आपको पता है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का है, यहाँ पे देखो, ओनली 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द लिजार्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, लिजार्ड कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है, 13 सेंटीमीटर, वो तो हमने मेजर किया। नाउ नेक्स्ट द लीफ इज, चलो लीफ काउंट करो, यहाँ पे जो लीफ दिया है वो काउंट करो, कितने का होगा, 1, 2, 3 एंड 4, देन राइट द आंसर इन द ब्लैंक। द लीफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं ना, द लीफ इज 4 सेंटीमीटर भी आप लोगों को दिया है, तो सेंटीमीटर के भी लिखने की जरूरत नहीं है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ द वैक्स कलर इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग, जो यहाँ पे कलर दिया है वो कितने सेंटीमीटर हुआ, चलो मेजर करो मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये लीफ का है, लीफ इज एंड यहाँ पे द वैक्स कलर इज 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया है। नाउ लुक एट द स्केल दैट यू फाइंड इन जियोमेट्री बॉक्स, आपके पास जो स्केल है, नाउ हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव, आपको अपनी स्केल लेनी है, आपके पास जियोमेट्री बॉक्स मतलब कि कंपास बॉक्स,
स्केल और आपके कंपास बॉक्स जो है उसको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। कर सकते हो मेजर? यस, यू कैन मेजर योर कंपास बॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर राइट इन दिस ब्लैंक। ओके, इसका आंसर आप लिख लोगे ना अपने आप? ओके, अबाउट 15 या 16 सेंटीमीटर लॉन्ग आएगा आपका आंसर जो है, नियर अबाउट 14 टू 15 सेंटीमीटर ऑफ योर जियोमेट्री बॉक्स। नाउ पेज नंबर 49, द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन द स्कूल इज लाइक दिस वन। आपको छोटी छोटी थिंग्स जो है, स्मॉल थिंग्स मेजर करने के लिए स्केल का यूज कर सकते हैं, जो ऐसी थिंग्स है जो वी विल मेजर इन द सेंटीमीटर। ऐसी छोटी छोटी थिंग्स जो सेंटीमीटर के अंदर हम जो है वो मेजर कर सकते, उसके लिए हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी थिंग्स है वो, यहाँ पे आपके घर पे डोर है उसका आपको मेजरमेंट करना है तो क्या स्केल से कर पाओगे? नहीं। आपके घर पे जो कपबोर्ड दिया गया है उसका मेजरमेंट करना है तो क्या कर पाओगे? नेवर। तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मेजर टेप की। मेजर टेप की मदद से आप लोगों को जो है प्रॉपरली जो मिलेगा, यहाँ पे मेरे पास मेजर टेप है, देखो दिखाई दे रहा है? सॉरी, यहाँ पे जो है पहले सेंटीमीटर दिया है, वन टू थ्री फोर अप टू, आपको दिखाई दे रहा होगा 10, 11, 12। तो यहाँ पे आपके पास भी मेजरमेंट घर पे होगी, तो कोई भी ब्लैक बोर्ड की हमें थिंग्स करनी है मेजर, तो आप ऐसे कर पाओगे कि नहीं? यस। कितने सेंटीमीटर का होगा तो वो आप लोगों को घर पे ही अपने कपबोर्ड या फिर दूसरी कोई थिंग्स है उसकी मदद से आपको करना है, ठीक है? तो ऐसे मेजर करना प्रॉपरली कुछ भी, यहाँ पे देखो छोटी छोटी थिंग्स दी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। नाउ इट इज इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो मार्क से। एंड लुक एट द थिंग्स ड्रॉन हियर द स्केल एंड फाइंड आउट द लेंथ। यहाँ पे जो थिंग्स दी है उसको मेजर करो एंड उसकी लेंथ कितनी है फाइंड आउट। व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर? यहाँ पे जो लिटिल लाइंस दी गई है स्केल के ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑरेंज मार्क से स्टार्ट किया है उसके आंसर लिखो। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर? स्केल के ऊपर जो लिटिल लाइंस दी गई है, छोटी छोटी लाइंस, वो किसकी, मतलब कि किस यूज के लिए है? तो लिखो मेरे साथ आंसर। जो ऑरेंज कलर की फर्स्ट जो है साइन पेज नंबर 49 के ऊपर, उसके अंदर आंसर लिखो, फॉर लिटल थिंग्स ऑब्जेक्ट। किसके लिए? फॉर लिटल थिंग्स ऑब्जेक्ट। ये जो छोटी छोटी लाइन दी गई है स्केल के ऊपर वो लिटिल थिंग्स ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए है। नाउ लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 मीटर लॉन्ग, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है? आपको ऐसी थिंग्स ढूंढनी है जिसकी लेंथ अबाउट 10 सेंटीमीटर हो, 10 से 20 के बीच सेंटीमीटर में आती हो एंड 1 सेंटीमीटर से कम लेंथ में हो। 1 सेंटीमीटर से कम लेंथ में क्या आएगा? अपने नेल। अपने नेल की कभी आपने लेंथ की है मेजर? स्केल रखो यहाँ पे, कितनी आती है? मेरी तो 1 सेंटीमीटर आती है, ठीक है? तो आप भी अपने 1 सेंटीमीटर से कम ऐसी थिंग्स जो है वो फाइंड करो एंड उसको मेजर करो कितना आता है। नाउ ड्रॉ सम ऑफ देम हियर। यहाँ पे कुछ थिंग्स जो है वो ड्रॉ करो, आप पेंसिल भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे घर पे आप पे सोप है, फिर अदर थिंग्स है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी हो, उसका जो आपने मेजरमेंट किया है वो मेजरमेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है? सो यहाँ पे HW लिख दो। आपको HW के अंदर ये जो थिंग्स है जो आपने मेजर किए घर पे, सोप मेजर किया है या फिर डोर मेजर किया है या फिर कपबोर्ड मेजर किया है, पेंसिल कंपास बुक एक्सेट्रा, यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसका मेजरमेंट लिखना है। ओके, सो आज के होमवर्क समझ में आ गया? बोर्ड के ऊपर नहीं लिख रही हूँ, कंप्लीट द पेज नंबर 49 लिखो यहाँ पे, कंप्लीट द पेज नंबर 49।
इन टेक्स्ट बुक। समझ में आ गया। अपने घर पे जो थिंग्स है उसको मेजर करो, यहाँ पे ड्रॉ करो राइट हियर द सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर या फिर मीटर। आज के लिए थैंक यू।